माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए जानते हैं कि सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है हम सभी के लिए, क्योंकि जब भी मंथ की शुरुआत होती है तो हम पूरा मंथ प्लान करने लगते हैं, है ना, कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ किसको देने हैं, बिकॉज मंथ की स्टार्टिंग ही पूरे मंथ की प्लानिंग से होती है। तो ऐसे में मैं आ गई हूँ आपको हेल्प करने के लिए कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है और आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देव, तो ऐसे में ग्रहों के जो भी परिवर्तन हो रखे हैं, सितंबर का मंथ आपके लिए थोड़ा सा ना बेचैनी भरा रह सकता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर आप थोड़ा सा उलझन की स्थिति में भी रहेंगे। मतलब आपके लिए ना एक तरह से मैं बोलूँ तो उलझन ऐसे रहेगी कि आप किसी काम को करना भी चाहेंगे और आपको लगेगा अभी सही समय भी नहीं है, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो ऐसे में ना मैं आपको सलाह दूंगी कि जो भी काम है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप किसी से सलाह मशवरा लीजिए, किसी प्रोफेशनल से सलाह मशवरा लेकर आप समय के अनुसार उस चीज़ को करिए, क्योंकि सोचने से कभी भी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी बात हो उसे आप अपने माता पिता के साथ या आप अपने बड़े भाई बहन के साथ या छोटे भाई बहन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या किसी अच्छे दोस्त के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब किसी की सलाह लेके, घर में किसी भी ऐसे सदस्य के साथ आप मिलकर सलाह लेकर काम कर सकते हैं जिससे आपकी अच्छी बोलचाल भी है, साथ में आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचता है। इससे आपकी जो भी समस्या है ना उसका समाधान निकल जाएगा और आपको निर्णय लेने में सहायता भी मिल जाएगी, नहीं तो कन्फ्यूजन आपकी बनी रहेगी। और परिवार में देखिए सभी के साथ आपका संबंध सितंबर के मंथ में मधुर बना रहेगा। मतलब ईगो को साइड में रखना है वो जरूरी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आप इस ईगो को साइड में रख देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इस मंथ के एंड में घर के काम से बाहर जाना ऐसा हो सकता है कि आपको पड़े, और इस दौरान कुछ नया अनुभव भी आपको करने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही हमको उनसे सीखने को मिलता है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद में किसी वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े या घर की कुछ मेजर चीज़ों के लिए शॉपिंग करनी पड़े। मेष राशि फल की अगर मैं सितंबर के महीने की बात करूं तो व्यापार में आप लोगों के लिए स्थितियाँ कैसी रहेंगी, जो लोग बिजनेस में है या जॉब में है तो उनके लिए ये मंथ क्या खास लेकर आया है। देखिए इस मंथ में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यापार में भी कोई बड़ा खर्चा होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके इस मंथ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं भी निवेश करने से पहले उसकी उचित जांच परख कर ले, तभी आप कोई निर्णय लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके पैसे फंसने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब जिसको भी आप ट्रस्ट करके पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए कि कहीं वो पर्सन फ्रॉड तो नहीं है, कहीं जो आपको बताया जा रहा है चीज़ें वैसी नहीं है, सिर्फ आपको कहते हैं ना लालच दिया जा रहा है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, मार्केट में किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शत्रुता करने से बचना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। आपने जो इतनी मेहनत करी है ना आपकी इमेज खराब हो सकती है। और जिन लोगों को राजनीति में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, ये मंथ आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, और ज़रूरत भी है, जो आगे चलकर आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने बॉस को आप खुश करने के लिए, या मैं कहूँ कि उनकी नज़र में आने के लिए उनके काम की प्रशंसा ज़रूरी है। मतलब कई बार क्या होता है कि बॉस आपके काम की प्रशंसा करता है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि चाहे आपका पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, तो आपको ईगो को छोड़ करके मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बात करूँ
तो ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको अगर बॉस की कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना तो तारीफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी आप नज़र में भी आ पाएंगे। हालांकि बॉस की नज़र में सिर्फ तारीफ करने से बॉस की नज़र में नहीं आएंगे, आपको अपना काम तो करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से कम इस मंथ तो मैं कहूंगी आप दूरी बनाकर रखिए। अगर ऐसी कोई बात है जिससे आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो आप उसको अवॉइड करिए। अब जो लोग शिक्षा या करियर के क्षेत्र में हैं तो उनके लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है? देखिए, जो लोग शिक्षक हैं या शिक्षकों से आपको उचित मार्गदर्शन इस समय में मिलते हुए दिख रहा है, करियर बनाने में भी वो मार्गदर्शन आपके लिए सहायक होगा। अगर आप स्कूल में हैं तो इस मंथ आपको अपने साथ के लोगों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपकी, मैं कहूँ, आधे अधूरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या काम है या वर्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने लिए ऐसे विषयों में रुचि लेंगे जो भविष्य में आपका मार्गदर्शन जरूर करेगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है। बस ये है कि फ़ोन से, लैपटॉप से, मूवीज से, वेब सीरीज से दिमाग को डाइवर्ट करके थोड़ा सा अपने स्टडी पे अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आज ये फोकस जो आप करेंगे आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और नौकरी की तलाश में हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस मंथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ऐसे में किसी भी अवसर को आप हाथ से ना ही जाने दें तो अच्छा है, आप उस पर काम करिए। बिकॉज सरकारी परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए भी पीरियड फेवरेबल है, आपको नए अवसर मिलेंगे। मतलब ये समय आप लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन अवसर मिलना ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता है। अब आपका कल इंटरव्यू है लेकिन आपको लग रहा है, आपको ऐसा हो रहा है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो वही जो शुरुआत में मैंने कहा कि आप इंटरव्यू तो देने जाइए पहले, आप ये मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन अपना कर्म करिए। तो कर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना कर्म करिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो पछतावे से आपको बचना है। सितंबर मंथ के अनुसार अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ, मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, तो देखिए सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए, अगर आपकी, देखिए, मैरिज हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो इस मंथ में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा, किसी तीसरे की वजह से भी, तो किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आगे चलकर आप लोगों के लिए परेशानी आएगी। तो ऐसे में अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रहों की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो आपके अंदर ईगो की मात्रा को बढ़ाएगी, तो उस ईगो से आपको खुद लड़ना है। इसलिए कुछ भी इशू हो तो सलाह मशवरा कर बातचीत कर उसका हल निकाल लीजिए, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकल आएगा। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, तो इस मंथ में आपके लिए कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता इससे प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग नई, मतलब लव मैरिज करना चाह रहे हैं, जो लोग, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके लाए हुए प्रस्ताव पर खुश ना हो। तो लव मैरिज करने वालों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, और उनका परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है। उनका परामर्श आप ध्यान से सुनिए और बातों को समझिए, फिर किसी रिश्ते में आइए, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर का जो मंथ है, हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो
आपको पहले कभी भी अगर कमर से नीचे हिस्से में तकलीफ रही है, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, या किडनी रिलेटेड इशू, या गाल ब्लैडर रिलेटेड इशू आपको पहले रह चुका है, या अभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत है, तो इस मंथ कम से कम आप 50% लोगों को मैं कहूंगी कि वो पेन उठ सकता है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास चेकअप अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है और आप नहीं गए हैं, तो इस मंथ तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ वाइज ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ी वेल्थ तो हेल्थ ही है। हेल्थ ठीक रहेगी तो बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को जो ध्यान देना है वो यही देना है कि जो अगर आपकी कोई पुरानी परेशानी चल रही है, तो उस परेशानी से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका सही खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, आपका सही डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप तला ऑयली खाना मत खाइए। बाहर का फास्ट फूड खाने के अगर बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो प्लीज़ आप उसको भी अवॉइड करिए, नहीं तो इस मंथ में हेल्थ वाइज आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब कोई पुरानी बीमारी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आपकी रेगुलर दवाइयां चल रही थी और आपने दवाइयां खानी बंद कर दी थी, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि डॉक्टर से परामर्श कर आप अपनी दवाइयों को फिर से स्टार्ट करिए, नहीं तो आपके छोटे से आलस के पीछे मैं कहूँगी आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हेल्थ को अवॉइड मत करिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आप लोगों को खट्टी मीठी जो टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, या गोलियाँ जो आती हैं खाने वाली, किसी भी बच्चे को आपने ज़रूर रोज़ाना, चाहे आप एक बच्चा हो तो एक बच्चे को दीजिए, दो हो तो दो को दीजिए, लेकिन उपाय के तौर पर खट्टी मीठी टॉफ़ी, सिर्फ मीठी ना हो, खटास भी होनी चाहिए, खट्टी मीठी टॉफ़ी का दान आप बच्चों को ज़रूर करिए। क्योंकि ऐसा करने से आपको जो भी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं तो आप इमली की टॉफ़ी दे सकते हैं, या इमली का भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। तो आप बच्चों को उपाय के तौर पर ये ज़रूर दीजिए। और साथ ही में बस एक बात का ध्यान रखिए कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करने जाऊं, इस मैं को हटाना है। अगर आपने इस मैं को हटा दिया ना, तो ट्रस्ट मी कि आप अपनी इस मंथ को अपने लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बना लेंगे। तो बहुत छोटा सा खास उपाय था आप सभी के लिए, और बहुत ही मतलब बहुत आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए बस ध्यान ये रखना है कि आप लोग जैसा मैंने आपको बताया है बस वैसा करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। फ्री सेशंस के लिए आपको मेरे लाइव का वेट करना पड़ेगा। नीचे हर वीडियो में कमेंट्स करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, क्योंकि ऐसे में हम जब भी कमेंट्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो भी जिनके कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जो अपना फीडबैक देते रहते हैं, हम उनके डेट ऑफ बर्थ लेकर हम चार्ट रीडिंग कर उनके बारे में उनको बताते हैं। तो बस मैं फिर से कहूँगी, हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी अगर आप अपनी मैं को साइड में रख देंगे। जय माता दी।